अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जनभागीदारी से निर्णय होगा। आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या ना लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो नॉन भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है, मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे, ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े, और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा, आपको 5% 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा, श्रीनगर आए एक बढ़िया चीज देखी, मन कर गए मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है, अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा, आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए, वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं, विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं है, वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस
और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है।